Hi, I'm Brina sir, and you're watching Philon Institute of Chemistry. So in the last lecture of the haloalkanes and halovarines, we have just completed the chemical reactions, but only three parts. The first part, it was the chemical reaction with metal. The second part is a beta elimination, and third part, that is the ESR of the chlorobenzene. Now in the next topic, we are just considering about the stereochemistry. The fourth topic is actually the nucleophilic substitution reaction. लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले हम समझेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल सी बातें करनी है आज के लेक्चर के अंदर, और कुछ जो टर्म्स है, कुछ जो वर्ड्स है, वर्ड दैट मैटर्स कहते हैं जिसे, बस वही समझना है और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के अंदर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपको एक अपनी कहानी कहता हूँ। मेरे बाजू में जो 25 ईयर्स ओल्ड एक लड़का था, बेचारा मर गया। रीजन, स्मोकिंग। ही वॉज अ चेन स्मोकर, मतलब कि बहुत सारी सिगरेट पीता रहता था। लेकिन मेरे बाजू में एक 60 ईयर्स के अंकल भी है, उनको भी ऐसी सेम आदत है, लेकिन वो नहीं मरे, वो बेचारा मर गया। रीजन क्या? आप कहेंगे सर उसके जो कर्म कहते हैं ना, कर्मा, वही खराब होंगे। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि वो बेचारा इसलिए मरा बिकॉज ही वॉज हैविंग द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग लोग क्यों करते हैं? स्मोकिंग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर हम लेते हैं निकोटीन। टॉबैको के अंदर बेसिक जो पार्ट है, दैट इज अ निकोटीन। तो निकोटीन जैसे ही अपने सांसों के अंदर जाता है, अपने लंग्स के अंदर जाता है, तो लंग्स के अंदर से सीधा ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड के अंदर जैसे ही जाता है तो हार्ट बीट्स जो होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं, दिमाग को अचानक से ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होने लगता है, तो उसकी वजह से उनको थोड़ी देर के लिए अच्छी फीलिंग्स आ रही, बट नॉट ऑलवेज। जब तक वो सिगरेट का धुआं सोख रहे हैं तब तक ये इफेक्ट रहते हैं, उसके बाद ये इफेक्ट नलीफाइड हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कैंसर क्यों होता है, कैंसर निकोटीन से कैसे होता है। तो निकोटीन It is having basically two parts. That is the first one is a plus and second is a negative. ठीक है? अब इसका ये जो negative वाला part है ना, वो toxic है। मतलब क्या? कि ये carcinogenic है। Carcinogenic means what? जो cancer produce करते हैं। तो वो जो लड़का था, जब भी बेचारा cigarette पी रहा था, तो उसके अंदर negative isomer आ रहा था। ठीक है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव आइसोमर को हम बाद में इसका नाम भी देंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि नेगेटिव आइसोमर इज अ हैजार्डस, इट इज अ टॉक्सिक, कि जिसकी वजह से कैंसर प्रोड्यूस होता है। सो हम जब सिगरेट ले रहे हैं, या फिर कोई, हम तो नहीं लेते, कोई अगर सिगरेट लेता है तो उसके अंदर सिगरेट इज व्हाट, सिगरेट के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे पीछे की साइड बुल होता है, आगे की साइड टॉबैको होता है। ये जो टॉबैको के लीव्स हैं और वो टॉबैको के लीव्स के अंदर ये निकोटीन होता है। अब वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, वो हमको नहीं पता है। ठीक है? तो इट इज अ लक बाय चांस। अगर कोई सिगरेट पी रहा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आइसोमर हुए, तो जितने ही वो सिगरेट्स पी रहा है उसके अंदर हर बार उसको नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो सामने जो दूसरे लोग पी रहे हैं सिगरेट्स और उनके अंदर लक बाय चांस ऑलवेज पॉजिटिव आइसोमर आ रहा है, एंड पॉजिटिव आइसोमर इट इज नॉट हैजार्डस। तो ये कैंसर प्रोड्यूस नहीं करता, ये कैंसर प्रोड्यूस करता है। सो ऐसी जो प्लस एंड माइनस वाली बात है, उसके लिए हमें एक केमिस्ट्री कंसिडर करनी है, एंड दैट केमिस्ट्री इज अ स्टीरियो केमिस्ट्री। हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आगे भी कुछ सब्सटेंसेस देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस करेंगे। अब दूसरा एक एग्जांपल भी दे रहा हूं कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के कुछ नाम होते हैं, इसके ऊपर भी लिखा होता है लेवो, राइट? सो लेवोफ्लोक्सासिन। सो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसे कहते हैं लेवो पार्ट। इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव वाले पार्ट को कहते हैं लेवो, एंड पॉजिटिव वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो। सो मैंने आपको बताया कि निकोटीन के लिए नेगेटिव इज अ हैजार्डस, बट दूसरे सब्सटेंस के लिए माइनस एंड प्लस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया लेवो, तो एंटीबायोटिक का नाम है लेवोफ्लोक्सासिन। ठीक है? तो अगर उसको अंदर हम कंसीडर करें तो नेगेटिव आइसोमर इज गुड फॉर अस, उसके लिए पॉजिटिव आइसोमर अपने बॉडी के लिए काम नहीं करता।
ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं कि जिनकी इफेक्ट डिफरेंट होती है. ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आइसोमर है तो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही देगा, नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन अवर बॉडी. तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि अगर हम ले रहे हैं तो नेगेटिव आइसोमर ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अपनी बॉडी पॉजिटिव हो रही है, ठीक है. तो ऐसे जो सिस्टम है उसको समझना इसलिए जरूरी भी है कि उनके अंदर ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, उनकी अरेंजमेंट है. ये ग्रुप एंड अरेंजमेंट हम 3D के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, एंड सो द केमिस्ट्री के जो 3D के अंदर स्ट्रक्चर समझा रही है उसे क्या कहता है, स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं. सो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर वर्ड दैट मैटर्स कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक के बाद एक समझा भी रहा हूँ, ठीक है. So what that matters in the first has stereochemistry that we have already defined, that the study of the chemical substances in a 3D, the branch of the organic chemistry. So the branch of organic chemistry which deals with the 3D study of the chemical substances is called stereochemistry. अब दूसरे कुछ words हैं तो वो हम समझते हैं, लेकिन पहले हम polarimeter instrument ले लेते हैं. पोलारीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो डिसाइड करता है कि सब्सटेंस प्लस है कि माइनस है या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है. सो पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट पे जाने से पहले हम कंसिडर करते हैं एक लाइट, समझिए, बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, समझेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा. दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट, ठीक है. ये मान लो आप सनलाइट कंसिडर कर रहे हैं या फिर ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है, एलईडी से जो लाइट आ रही है, विच डायरेक्ट विच वाइब्रेट्स इन ऑल द डायरेक्शंस, वो हर एक डायरेक्शन के अंदर वो वाइब्रेशन कर रही है, देन इट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. अब ये सोर्स ऑफ लाइट को हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से. निकोल प्रिज्म टाइप का सब्सटेंस आता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, CaCO3 से. इसके पास ऐसी ताकत होती है कि निकोल प्रिज्म से अगर जो लाइट निकले then it will vibrate in only one direction. ऐसी एक ही डायरेक्शन के अंदर वो वाइब्रेशन करेगी. then ये जो लाइट है उसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म पी प्लेन, पी पोलराइज्ड, एल लाइट, सो हम इसे कह सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है. अब आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं MCQs के अंदर कि भी प्लेन पोलराइज लाइट किसे कहेंगे, तो इज दिस प्लेन पोलराइज लाइट, देन यू विल आंसर यस, यस इज दिस, यस. रीजन बिकॉज ये तो एक ही डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन है ना, दिस इज यस, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट, दिस इज नो, इट वाइब्रेट्स इन टू डायरेक्शंस. ये तो मल्टी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, ये तो सिर्फ ये दो डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो रही है. सो प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या है, विच वाइब्रेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज लाइट. अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको हमें पास करना है पोलारीमीटर से. पोलारीमीटर और कुछ नहीं, एक सिंपल सी डिवाइस है कि जिसके अंदर पोलर ट्यूब सेट करी है, ओके, दिस इज कॉल्ड पोलर ट्यूब. ऊपर से हम सॉल्यूशन भर सकते हैं, दिस अ पोलर ट्यूब. पोलर ट्यूब एक टाइप की ट्यूब है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा जा सकता है. दोनों साइड से ये ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास, मतलब कि लाइट जो है उसके अंदर से पास होके निकल भी सकती है ऐसा, ओके. अब इसके अंदर सॉल्यूशन किसका भरेंगे, तो हमने एग्जाम्पल लिया ना निकोटिन, तो वो भाई मर गया बेचारा, भगवान को प्यारा होगा. सो उसने हर टाइम नेगेटिव आइसोमर ही कंज्यूम किया था. सो ऐसे हम सिगरेट ले लेते हैं एक, और जैसे मैंने आगे बताया कि सिगरेट के आगे एक टॉबेको होता है, इतना पोर्शन पूरा टॉबेको है, टॉबेको का पाउडर टॉबेको, उसको हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर से निकाल लेते हैं टॉबेको और एक बीकर के अंदर भर देते हैं, बीकर के अंदर वाटर एड कर लेते हैं. So water and tobacco. Now, जैसे ही टॉबेको इसके अंदर गिरेगी धीरे धीरे उसके अंदर का जो निकोटीन है वो वाटर के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा. So, अब वाटर एंड निकोटीन का एक सॉल्यूशन बनेगा, इसे हम फिल्टर कर लेंगे, ठीक है. जैसे हम चाय को कैसे छान लेते हैं, तो चाय पत्ती ऊपर की साइड रह जाती है, चाय नीचे, वैसे ही निकोटीन कंटेनिंग
जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा और जो टॉबेको है वो ऊपर रह जाएगी। अब ये जो वाटर प्लस निकोटीन है उसको हम इसमें भर देंगे, मतलब ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है निकोटीन प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिया है। अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझिए कि जैसे ही ये प्लेन पोलराइज लाइट इसके अंदर से जा रही है तो यहाँ पे एक छोटी सी विंडो जैसा होता है, मतलब आपकी कैलसी कैलकुलेटर के अंदर के साथ एक विंडो जैसा है जिसके अंदर आपके नंबर्स बताते हैं, तो उसके अंदर भी लिखते हैं प्लस, उसके अंदर लिखते हैं माइनस, ऐसा दिखाता है। सेम यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। ये आंसर कैसे मिला, सो प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे पास हुई निकोटीन की वजह से। इफ द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मतलब कि लाइट ऐसे जा रही थी और ये जो लाइट थी वो मुड़ गई, कौन सी डायरेक्शन के अंदर मुड़ी, राइट राइट डायरेक्शन के अंदर, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसने मोड़ी, हु रोटेटेड द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, देन इट इज अ निकोटीन। तो ऐसे निकोटीन ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो कहेंगे, डेक्स्ट्रो। सो डेक्स्ट्रो इज डिनोटेड बाय साइन स्मॉल डी एंड प्लस। ऐसे कुछ है नहीं कि इसकी कुछ वैल्यू है, मतलब प्लस है माइनस है, नहीं, सिंपल सी साइन लगाई है डेक्स्ट्रो प्लस, कितना रोटेट किया वो प्लस करके कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा, मतलब कि प्लस 13 प्लस 60 ऐसा कितना रोटेशन किया, ठीक है। साइमल्टेनियसली ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो राइट हैंड साइड मुड़ा तो वो लेफ्ट हैंड साइड भी मुड़ सकते हैं, मतलब कि अगर लाइट आई ऐसे प्लेन पोलराइज लाइट पास हो रही है निकोटीन कंटेनिंग वाटर से, तो निकोटीन ने उसका रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड कर रहा है। So, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड चेंज होता है, इफ द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो सब्सटेंस को हम कहेंगे लेवो, सब्सटेंस मतलब निकोटीन को हम कहेंगे लेवो, मतलब इसको हम बताएंगे स्मॉल एल से, एंड इट्स अ सिंपली नेगेटिव साइन है। तो दिस टू सब्सटेंसेस विच रोटेटेड द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट either right hand side or left hand side, these two substances are called optically active substance, optically active substance. So optically active substance के यहाँ पे दो parts हैं, the first that is dextro, dextro को मैंने बताया small d and plus sign से बताते हैं, levo को हम बताते हैं l and minus sign से, ठीक है। So dextro and levo are the parts of the optically active substance. अब ऐसे भी तो substance होते हैं, हर बार ऐसे जरूरी नहीं है कि rotate करे ही। जैसे मैंने salt भर दिया, अब nicotine containing water को मैंने जाने दिया, मतलब nicotine का solution निकाल दिया, water के अंदर salt भर दिया, ठीक है, मतलब salt solution भरा। तो जैसे ही salt solution भरेंगे अपने, जो light है, as it is, जैसे polar tube के अंदर से निकलेगी और as it is रहेगी। मतलब सॉल्व सॉल्यूशन ने प्लेन पोलराइज लाइट को ना तो लेफ्ट हैंड साइड मोड़ा ना तो राइट हैंड साइड मोड़ा, देन दैट सब्सटेंस मतलब कि NaCl, NaCl इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव इज अ सब्सटेंस व्हिच डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, एंड डेक्स्ट्रो एंड लेवो आर द पार्ट्स ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो प्लेन पोलराइज लाइट एक बार देख ले सारे डेफिनेशंस, प्लेन पोलराइज लाइट द लाइट विच रोटेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन, द सेकेंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, dextro rotatory substance, the substance which rotate the plane of the plane polarized light toward the right hand side, and it is denoted by the sign small d and plus. Levo rotatory substance, the substance which rotate the plane of the plane polarized light towards the left hand side, and it is denoted by the sign small l and minus sign. Polarimeter, this is the instrument, this is the device which can describe whether the substance is optically active or optically inactive.
पोलारीमीटर के ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया हुआ है उसके अंदर हमने सॉल्यूशन भरा निकोटीन प्लस वाटर का। ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग आप कोई भी दवाइयां भी भर सकते हैं इसके अंदर, फिर चेक भी कर सकते हैं कि ये किस तरह से इसका आंसर आ रहा है। तो ये जो आंसर आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, आंसर आ रहा है इसके लिए फॉर्मूला है, ब्रैकेट के अंदर अल्फा है अपॉन इनटू इज इक्वल टू अल्फा और एल इनटू सी। ये अल्फा इंडिकेट करता है स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। तो आप सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज इनका कुछ स्पेसिफिक रोटेशन मिलता है, वो पोलारीमीटर से ही मिलता है और कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन, दिस इज द लेंथ ऑफ पोलर ट्यूब दैट इज इन अ डेसीमीटर एंड सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, इट विल बी ग्राम पर एमएल में होगा। वैसे कुछ न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, लेकिन सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, अदर वर्ड्स आर गिवन हियर, द फर्स्ट मतलब एट वन कायरालिटी और कायरल सब्सटेंस, ए कायरल सब्सटेंस स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर, इनान्शियोमर्स डायस्टेरियोमर्स मीजो एंड द लास्ट वन इज द रेसमिक मिक्सचर। और भी दो है, लास्ट नहीं है ये, तो बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं, अभी हम फोकस करते हैं एट नंबर के ऊपर, कायरालिटी और कायरल, हिंदी में लिखता हूं मैं कायरल ताकि प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ ना हो, ठीक है। सो किसे हम कायरल कहेंगे, कायरलिटी समझने के लिए एग्जांपल ये कंसिडर करेंगे कि से सपोज दिस इज माय हैंड, इसका मैं मिरर इमेज चेक करूंगा ऐसा ही होगा, लकीरों पे ना जाना, ठीक है। सिंपली ये समझना कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, दिस इज माय पाम। अब इसकी मिरर इमेज तो ऐसे ही होगी, अब ये जो मिरर इमेज है उसमें मुझे सुपर इम्पोज करना, क्या करना है, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज किस तरह से किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को उठा के उसकी मिरर के ऊपर हमें रख देना है, बस ऐसे सिंपली। मैच हुई नो, ये तो मछली हो गई है ना, मैच नहीं हो रही है। इफ इट इज नॉट मैच देन इट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो अगर मिरर इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ नहीं रही है, मतलब कि सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तो उसे हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। एंड दैट नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज अगर आपको मिल रही है तो सब्सटेंस का नाम हो जाएगा कायरल, उल्टा है। अगर सुपर इम्पोज हो जाता है देन इट इज अ ए कायरल, अनकायरल नॉन कायरल ऐसा नहीं होता, ए कायरल होता है, ए कायरल, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, एक चार्ट बना देते हैं, चार्ट के अंदर मैं इजीली आपको दिखवा देता हूं कि आपको क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है, सुपर इम्पोज, ठीक है। अगर सुपर इम्पोज हो रहा है, इफ इट इज यस, कि मिरर इमेज लेनी है आपको, मिरर इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठानी है, अगर ये बैठ जाते है, मतलब कि यस, देन सब्सटेंस इज कॉल्ड ए कायरल। क्या कहेंगे इसे, ए कायरल। अलग अलग एग्जांपल्स देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, लेकिन पहले आप ये समझिए, इफ इट इज नो इट मींस दैट इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल, इफ द मिरर इमेज इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल देन इट इज कॉल्ड कायरल। सो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं कंसिडर करता हूं यहां पे सी, सी की हम क्या लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, तो किस तरह से दिखी जाएगी, इस तरह से। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, होगा मैच नहीं होगा, ऐसे आपको मिलेगा। अगर मैच नहीं हो रहा है, इट मींस दैट इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड इट इज कॉल्ड कायरल। तो मतलब कि अपना जो एबीसीडी का जो लेटर है सी, इट्स अ कायरल। ओके, बहुत सिंपल है। आगे हम कंसिडर करते हैं डी, डी की मिरर इमेज कैसी आएगी, ऐसे आएगी, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, मैच होगा नहीं होगा, देन इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, राइट हियर इट्स अ डी। ओके, आई कंसिडर करते हैं, आई एबीसीडी का जो लेटर है आई, तो आई की मिरर इमेज तो आई जैसी ही होगी। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये मैच हो जाएगी, इफ इट इज अ मैच देन इट इज अ सुपर इम्पोजिबल, इट मींस दैट यस, देन एबीसीडी का जो लेटर है आई दैट इज अ ए कायरल। व्हाट अबाउट द ए, ए कैसा होगा, ए सोचिए आप, तो ए की मिरर इमेज इसके जैसी होगी,
इसको इसके ऊपर रखेंगे, देन इट्स ए कायरल बिकॉज ये मैच हो रही है, तो अल्टीमेटली जो सुपर इम्पोज हो रहा है देन इट इज कॉल्ड ए कायरल, अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है देन इट इज कॉल्ड कायरल, ठीक है। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कायरल होते हैं दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, ओके, एंड ए कायरल के अंदर वी विल गेट ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो यही बात आपको समझानी है कि कायरल, अब कार्बन के अंदर कंसिडर करते हैं कि कायरलिटी किस तरह से चेक करते हैं। इन द केस ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, आप कहेंगे सर सी है तो हम इसके मिरर इमेज ले लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है उसकी वैलेंसीज देखनी है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और उसकी वैलेंसी, इफ फोर आउट ऑफ फोर वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज डिफरेंट देन द कंपाउंड इज सेड टू बी अ कायरल कंपाउंड। मतलब क्या, के सी एल बी आर आई, ठीक है, और यहां पे एफ, तो ये देख सकते हैं ये कार्बन इसकी चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट है। सेम वैलेंसी का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सेम वैलेंसी होगी, ठीक है। अब यहां पे सी एल बी आर आई एफ चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यहां पे सेम है। जो वैलेंसी अगर चारों की चारों डिफरेंट होगी तो ही हम उसे कायरल कंपाउंड कहेंगे, मतलब दिस इज द कायरल एंड दिस इज इट इज ए कायरल, सब क्या कहेंगे ए कायरल, इट इज कॉल्ड कायरल, सिंपल थिंग, ठीक है। सो कार्बन विच कंटेन्स फोर आउट ऑफ फोर वैलेंस डिफरेंट इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड। व्हाट अबाउट द स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर, सो कार्बन विच कंटेन्स फोर आउट ऑफ फोर वैलेंस डिफरेंट इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर, ठीक है। तो ये वाले कार्बन को हम कहेंगे स्टीरियो सेंटर। अगर एग्जांपल लेता हूं ना, सी एच थ्री सी एच टू सी एफ ओ एच सी एच थ्री, आप देख सकते हैं इस कार्बन के अंदर तो थ्री आउट ऑफ थ्री वैलेंसी सेम है, देन दिस कार्बन इज अ नॉट कायरल, दिस कार्बन जस्ट इट इज कायरल बिकॉज एक दो तीन और पूरा एक मतलब चार, so four out of four valencies are different, then it is called stereocenter। तो आप कहेंगे सर तो अलग अलग कार्बन को अलग अलग कायरल कहना है, ऐसा नहीं करना है, पूरे सब्सटेंस को कायरल कहेंगे लेकिन stereocenter ये है, कायरल सेंटर ये है, इस कार्बन की वजह से ये कंपाउंड कायरल हुआ है, ऐसा कहने की बात है, समझ रहे बात को। दिस कार्बन इट इज नॉट कायरल कार्बन बिकॉज टू valencies आर सेम, थ्री वैलेंसी आर सेम, फोर आउट ऑफ फोर वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, देन दिस इज कॉल्ड द स्टीरियो सेंटर, एंड इसको हम इंडिकेट करते हैं एन नंबर से। सो यहां हियर हियर यू कैन सी दैट एन नंबर इज इक्वल टू वन। द नेक्स्ट इज इनांशियोमर्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन आई बी आर सी एल एफ, इसकी मिरर इमेज लेते हैं, बीच में मैंने मिरर रखा है, तो मिरर में किस तरह से दिखेगा, कार्बन आई सी एल एफ नजदीक आ जाएगा बी आर, सो इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखिए, मैच होगी, नो इट विल नॉट सुपर इम्पोज, तो ये कंपाउंड को हम कायरल कहेंगे। और वैसे भी यहां पे आपको एक कार्बन मिल ही रहा है कि जिसकी चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यू कैन सी एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं उसे। So, यहां पे सी सपोज इफ इट इज अ डेक्स्ट्रो, जैसे मैंने सिर्फ सपोज किया, डेक्स्ट्रो है लेवो है वो तो पोलारीमीटर ही डिसाइड करता है, डेक्स्ट्रो इसकी मिरर इमेज आपको मिलेगी लेवो, सो मिक्सचर ऑफ द डेक्स्ट्रो एंड लेवो, ओके, द पेयर ऑफ द आइसोमर ऑफ द डेक्स्ट्रो एंड लेवो इज कॉल्ड इनांशियोमर्स। इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है टू रेस टू एन, सो टू रेस टू एन मतलब क्या, टू रेस टू वन करेंगे, जिसके एन इज इक्वल टू एसिमेट्रिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर, जो कार्बन इंडिकेट कर रहा है कि वो कायरल है, जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन अल्टीमेटली एन रखेंगे, यू विल गेट टू, टू का मतलब क्या है, यहाँ पे पैर मिली हमको, ठीक है, तो दिस इज द वन दिस इज द वन, दिस आर टू आइसोमर्स। सो यहाँ पे जो
मिल रहा है डेक्स्ट्रो एंड लेवो के पैर, उसे हम कहेंगे इनानशियोमर। और मानो कि ये लेवो होता तो ये डेक्स्ट्रो हो जाता, ठीक है। सो द पैर ऑफ द आइसोमर्स इज कॉल्ड इनानशियोमर्स। इफ नंबर ऑफ द स्टीरियो सेंटर इज मोर देन वन देन इट इज कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। वैसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे डायस्टीरियोमर्स एंड इज अ सिंबल ऑफ द स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर। एग्जांपल लेते हैं, समझ जाएंगे। OH कार्बन कार्बन COOH FICLBR। ओके, अब क्या करते हैं इसके अंदर, तो एग्जांपल को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको वैलेंसीज डिफरेंट तरीके से बना रहा हूं। तो मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं OH कार्बन कार्बन COOH OH कार्बन कार्बन COOH FCl IBR FICLBR। Now you can see कि ऐसे कंपाउंड के अंदर पहले कार्बन को देखा जाता है, तो ऊपर वाले कार्बन को देखिए, then first valency, उसकी valency हमको काउंट करनी है ultimately, the first valency, the second valency, the third valency and four valency, all the valencies are different, so इस कार्बन को हम कहेंगे स्टीरियो सेंटर। ओके, अब नीचे वाले कार्बन की बारी, ये वाले कार्बन के अंदर, सो इन दिस कार्बन द फर्स्ट वैलेंसी द सेकेंड वैलेंसी थर्ड वैलेंसी एंड फोर वैलेंसी, फोर आउट ऑफ फोर आर डिफरेंट। कहीं पे दो बी आर नहीं है, दो सी एल नहीं है, दो सी डब्ल्यू एच नहीं है, और ऊपर वाला जो ग्रुप है वैसे भी नहीं आ रहा, देन फोर आउट ऑफ फोर अगर डिफरेंट हमको मिल रहे हैं देन इट इज ऑल्सो द स्टीरियो सेंटर। मतलब यहाँ पे दो अब तक मिले। अब सी डब्ल्यू एच की बारी, सी डब्ल्यू एच के अंदर देन नो, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो ऐसे केस के अंदर आपको डबल बॉन्ड हटा के ऊपर की साइड एक दूसरा ऑक्सीजन लिखना है। तो ऐसे केस के अंदर ओ ओ सेम हो रहा है, देन इट इज नॉट कॉल्ड कायरल बिकॉज सेम वैलेंसी, इट मीन्स एट ए कायरल। तो ये कार्बन ए कायरल है, बाकी सारे जो कार्बन है दोनों के दोनों वो कायरल है। अब n is equal to हमको मिला 2, अब फॉर्मूला लगा देते हैं 2 raised to n and you will get the answer 2 raised to 2, आंसर आपको 4 मिलेगा। अब किस तरह से मिलेगा, तो पहले आप इसका मिरर इमेज ले लीजिए, आपको 4 आइसोमर्स मिलेंगे and 4 आइसोमर्स are called diastereomers, ठीक है। so OH कार्बन कार्बन COOH BR, यहां पे लिखेंगे आप BR CL opposite side, I यहां पे लिखेंगे F ऑपोजिट साइड। अब आपको क्या करना है, जब तीसरा आइसोमर आप लिख रहे हैं ना, ये फर्स्ट आइसोमर सेकंड आइसोमर जो कंपाउंड दिया वो खुद एक आइसोमर है, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड जब आप लिख रहे हैं तब पहले इतना लिख दे, उसके बाद CLBR या फिर FI दोनों में से किसी एक को फ्लिप कर दे। से सपोज आई एम टेकिंग F एंड I, तो मैं आई यहां पे लिखूंगा एफ यहां पे लिखूंगा, तो बाकी को फ्लिप नहीं करना है, एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज ले लें, यू विल गेट द मिरर इमेज, सो एफ आई बी आर एंड सी एल। तो इस तरह से फोर डिफरेंट आइसोमर्स आपको मिल रहे हैं, फोर डिफरेंट आइसोमर्स आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। एक दूसरे की ये दोनों मिरर इमेज होंगे एंड मेन आर दिस टू। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फॉर दिस CH3CCCWH एंड CWH इज नॉट कायरल, इट मींस इट इज ए कायरल। CH3 के अंदर H तीनों के तीनों H है, मतलब सेम वैलेंसी है, दिस इज ए कायरल। अब बात है इन दोनों कार्बन्स की, सो फॉर दिस टू कार्बन्स जैसे आगे स्ट्रक्चर के अंदर बताया वैसे ये एक सी एच थ्री एफ बी आर, मतलब डिफरेंट वैलेंसीज हैं, स्टार मार्क करेंगे यहाँ पे भी स्टार मार्क करेंगे, देन यू विल गेट टू रेस टू टू, मतलब के टू रेस टू एन फॉर्मूला से आंसर आया, इट विल बी फोर। किस तरह से आगे जैसे किया वैसे ही करना है, इसकी मिरर इमेज पहले ले लेनी है सी एच थ्री सी 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 ओ ओ एच, देन आफ्टर एफ नजदीक लिखेंगे बी आर को दूर, OH यहाँ पे आई यहाँ पे, ओके नीचे जैसे ही यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए अभी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। BRF
या फिर आई ओ एच, मान लो कि मैं नीचे वाले को फ्लिप करता हूँ, तो ओ एच यहाँ पे लिखता हूँ, आई यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाले को फ्लिप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक को ही आपको फ्लिप कर देना है। आई हैव जस्ट फ्लिप्ड दिस वन। अब सी एच थ्री सी 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 ओ ओ एच, आई यहाँ पे लिखेंगे, ओ एच यहाँ पे, एफ यहाँ पे लिखेंगे, पी आर यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज डन अबाउट द डायस्टेरियोमर्स। मीजो कंपाउंड्स, तीन स्ट्रक्चर्स लिए मैंने, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है बस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी पास्ड, ठीक है, अंदर अंदर ही ये मिरर इमेज है। सो यू कैन सी सी डब्ल्यू एच, तो यहाँ पे सी डब्ल्यू एच, ओ एच ओ एच, एच एच, दूसरे के अंदर भी वैसा ही है, सी एल सी एल, बी आर बी आर, सी डब्ल्यू एच। सो इफ द प्लेन ऑफ द सिमेट्री कैन पास थ्रू द सब्सटेंस एंड दे आर मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर इनसाइड द स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। इसके अंदर होता क्या है, कंपाउंड खुद ही हाफ डेक्स्ट्रो हाफ लेवो में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला मानो कि लेवो है, नीचे वाला डेक्स्ट्रो है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जब पोलारीमीटर से पास होता है, जैसे ये पोलारीमीटर से पास होता है, हाफ सब्सटेंस मानो कि डेक्स्ट्रो है तो रोटेट करता है राइट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन हाफ सब्सटेंस लेवो भी तो है, मतलब रोटेट करता है वापस लेफ्ट हैंड साइड। सो जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो एज इट इज निकल जाती है। और याद रखिए, इफ प्लेन पोलराइज लाइट इज पास द सब्सटेंस और कोई चेंज ना आए, देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो अल्टीमेटली मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज हाफ इज डेक्स्ट्रो, तो हाफ रोटेट करेगी राइट हैंड साइड, हाफ इज अ लेवो, देन वापस उसी डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। जैसे ही अंदर आ जाएगी तो एज इट इज निकल जाएगी लाइट। So, अगर प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट पास हो रही है और वैसी वैसी सेम मिले, देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड द नेक्स्ट वन इज अ रेसिमिक मिक्सचर। सो रेसिमिक मिक्सचर इज एक्चुअली डिनोटेड बाय डी एल प्लस और माइनस। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज 1:1 मिक्सचर ऑफ द डेक्स्ट्रो एंड लेगो, मतलब 50-50% होगा। तो 50-50% मतलब 50% ऑफ डेक्स्ट्रो 50% ऑफ लेगो, इनका जो मिक्सचर होगा उसे हम कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर नाम है इसका। तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो इसके अंदर भी वैसा ही 50% डेक्स्ट्रो है, मतलब रोटेट करेगा राइट हैंड साइड, लेकिन 50% लेगो भी तो है, मतलब एज इट इज, तो सेम फिनोमेना हो रही है। एंड रेसेमिक मिक्सचर एंड मीजो बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। So last two word that matters, the first one is the inversion and second is the retention. Substitution reactions generally जब भी होते हैं तो substitution reaction के अंदर कुछ substance को निकाल बाहर फेंकते हैं, मतलब कि substitute कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे case के अंदर दो phenomena हो सकती है, the first one is inversion and second is retention. Example लेते हैं, जल्दी समझ जाए। Carbon लिया हमने, तो carbon H after CH3 CH2 CH3 and यहाँ पे मैंने लिया हुआ CL CL, मतलब कि यहाँ पे हेलो अल्केन्स की बात हो रही है। उसके अंदर हमने लिया हुआ OH minus, अब negative charge है इसलिए हम इसे कहेंगे nucleophile, ठीक है। negative charge वाले जो compounds होता है, जो substance होता है, उसे कहते हैं nucleophile। अब ये जो OH minus है जिसके ऊपर electron की pair है, और इस कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर से सीएल इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। सो ओएच माइनस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, रीजन क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। सो ओएच माइनस अब फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता, रीजन क्योंकि अगर OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक करता है तो क्लोरीन के लोन पेयर्स भी तो होंगे, लोन पेयर्स जो होते हैं वो इस तरह से फैले हुए होते हैं, तो OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता। अब मानो कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर कंपाउंड लिया हुआ है डेक्स्ट्रो, तो OH माइनस अगर फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता तो कार्बन क्या करेगा,
OH माइनस को बैक साइड से अटैक करवाएगा, then OH माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर्स. सो यहाँ पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज के ऊपर रिपल्शन हो रहा है जिसकी वजह से OH माइनस बैक साइड से अटैक कर रहा है. इफ इट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड तो कंपाउंड जो है वो पूरा फ्लिप हो जाता है, कंपाउंड जो है पूरा फ्लिप हो जाता है. तो यहाँ पे कंपाउंड की क्या सिचुएशन होगी, तो कंपाउंड के अंदर कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, CH3 ऑपोजिट साइड आ जाएगा, C2H5 मतलब CH2CH3 ऑपोजिट साइड हो जाएगा, एंड OH माइनस जो है वो OH के साथ बॉन्ड बना के ज्वाइन हो जाएगा. तो साइमल्टेनियसली कार्बन की 5 वैलेंसी तो पॉसिबल नहीं हो सकती, तो कार्बन ने क्या किया, Cl को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. सो Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, Cl निकल गया Cl माइनस के फॉर्म में, इट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप. Cl माइनस को क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप. लेकिन हमें जो समझ नहीं है इन्वर्जन, तो डेक्स्ट्रो अगर हमने लिया हुआ है तो अब सिचुएशन हो जाएगी कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ तो प्रोडक्ट जो हमको मिली वो हो जाएगी लेवो. रीजन, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर आप देखिए, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ Cl है जिसकी जगह पे सिर्फ OH आ गया, बस और कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन ये जो CH3 इस साइड से अब इस साइड आ गया, मतलब कि डेक्स्ट्रो से लेवो हो गया. आप कहेंगे सर ये लेवो होगा तो ये क्या होगा, तो मैं कहूंगा ये डेक्स्ट्रो होगा और क्या, दो ही तो ऑप्शन है हमारे पास. तो इन्वर्जन का मीनिंग ही ये है कि डेक्स्ट्रो से लेवो और लेवो से डेक्स्ट्रो. तो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड डेक्स्ट्रो है और आंसर हमको मिल रहा है लेवो, देन इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन हो रहा है, लेवो हमने लिया हुआ है और डेक्स्ट्रो मिल रहा है तो भी हम कहेंगे इट इज अ इन्वर्जन. अब समझते हैं रिटेंशन. सो से सपोज आई हैव टेकन द कंपाउंड विद कार्बन एंड देन हियर द प्रोपाइल ग्रुप CH2, CH2, CH3. Then after I have taken the C2H5 group, ethyl group, CH3, CH2. Or N-butyl group, CH2, 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 CH3. Or yahan pe Cl. Ab OH minus hai yahan pe. Maan log start kiya hai maine dextro se. Ab OH minus backside se attack karega. ठीक है, जैसे ऊपर था वैसे ही. लेकिन आप लोग देखे कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर ऐसे बड़े बड़े से ग्रुप्स हैं जो अपनी पोजीशन ऐसे फैला के बैठे होंगे, इनके भी खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, OH- के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता. नो, भले ही यहाँ पे Cl है, Br है, नहीं बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता, फ्रंट साइड से तो अटैक होगा नहीं बिकॉज लोन पेयर है. तो ऐसे केस के अंदर अटैक किस तरह से होगा, सो ये जो बॉन्ड है पहले वो ब्रेक करेगा. जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन हमने लिया हुआ है एंड CH2, CH2, CH3, देन आफ्टर CH2, CH3, देन आफ्टर हियर CH2, CH2, CH3. अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पहले Cl- निकल गया, पहले ही Cl- अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया. अब OH- फ्रंट साइड से ही अटैक कर सकता है, समझ रहे बात को, तो OH- अब फ्रंट साइड से अटैक तो कर सकता है. जैसे ही OH- फ्रंट साइड से अटैक करेगा आंसर आपका क्या आ जाएगा, एंड इट विल बी कार्बन, देन आफ्टर CH2, CH2, CH3, देन आफ्टर CH2, CH3 एंड CH2, CH2, CH3. ओके, तो अब यहां पे ज्वाइन हो जाएगा OH. अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होगा, तो ये होगा डेक्स्ट्रो, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो. तो रिटेंशन का मतलब ही ये है कि अगर डेक्स्ट्रो हमने लिया हुआ है तो आंसर आपका डेक्स्ट्रो आ जाएगा, अगर आपने लेवो से स्टार्ट किया होता तो आंसर लेवो आ जाता. तो डेक्स्ट्रो टू डेक्स्ट्रो इट इज कॉल्ड रिटेंशन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बाकी के जो कंपाउंड है उसकी चेंज नहीं हुई है, बाकी के जो ग्रुप्स है उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज नहीं हुई है. Then retention का मतलब है dextro to dextro, levo to levo. If the reagent is a dextro, the product is a dextro, it is retention. If the reagent is a dextro, product is a levo, then it is called inversion.
monochlorination of n-butane, how many chiral compounds are obtained? So monochlorination का मतलब क्या, एक Cl हमको लगाना है, और जब भी हम Cl लगाते हैं तो UV light का use करते हैं, तो पहले तो structure लिखेंगे n-butane, n-butane का मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और उसके hydrogens भर देंगे CH3, CH2, CH2, CH3. अब आपको क्या करना है, इसका UV light के साथ reaction करवाना है, मतलब के in presence of UV light reaction with the Cl2, जितने जितने compounds मिलता है उसकी आपको chirality check करनी है, और क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस carbon से check करते हैं, तो first एक H हटाना है, एक Cl लगाना है, ठीक है, so C, then after H, H, Cl, CH2, CH2, CH3. The first compound, it is 1-chlorobutane. हर बार एक H निकलेगा, एक Cl निकलेगा. एक Cl यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकला. तो एक HCl minus कर दिया हमने. Fine? So it is 1-chlorobutane. Okay. Now it is a chiral और एक chiral, वो चेक कर लेते हैं. तो देखो, carbon जिसकी 4 out of 4 valence different होनी चाहिए. तो देखो, ये कार्बन की दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गए. नो, इट इज द सेम वैलेंसी. Cl डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन दो तो सेम हो गए. 4 आउट ऑफ 4 जब तक डिफरेंट ना हो तब तक उसे कायरल नहीं कहेंगे. ओके, फॉर दिस कार्बन यू कैन सी दोनों हाइड्रोजन ही है, सेम वैलेंसी, सेम वैलेंसी, थ्री सेम वैलेंसी, देन फाइनली आंसर इज ए कायरल. एक भी कायरल कार्बन मिले तो कंपाउंड को हम क्या लिखेंगे, कायरल. सेकेंड पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, यहां से Cl आता है, देन CH3, C, Cl, H, CH2, CH3. आंसर इट इज 2-chloro, 1, 2, 3, 4, 2-chlorobutane. यू कैन सी फर्स्ट वैलेंसी, तो फर्स्ट वैलेंसी के अंदर तो तीन आउट ऑफ तीन सेम है हाइड्रोजन, तो इसे नहीं कहेंगे, इसे भी नहीं कहेंगे, इसे भी नहीं कहेंगे. बात अब यहां पे आती है, से देखिए कार्बन एक CH3, एक CH2 CH3 पूरा कंसिडर करेंगे, पूरा ग्रुप. ओके, एक H ग्रुप, एक Cl, मतलब 4 आउट ऑफ 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट हियर, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कायरल कहेंगे, कायरल. ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी, अब यहां पे Cl लगेगा, देन CH3, CH2, CH, Cl, CH3, it is a 2-chlorobutane. तो वो तो आ गया ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, नहीं, 3 वाला नंबर सिलेक्ट नहीं करेंगे, 2 वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे, then 1, 2, 2-chlorobutane, then it is done. तो अगर हो गए हैं तो वो कंसिडर नहीं करने हैं, और एक फोर्थ वन मैं यहां पर लिखता हूं, फोर्थ वन, सो CH3, CH2, CH2, CH, H, H and Cl. तो ये भी तो हो गया, देखो इसके जैसा ही है, इट इज 1-chlorobutane. बस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है, और 1-chlorobutane तो हो गया, रिपीटेड आइसोमर्स आर नॉट काउंटेड. सो फाइनली हमको आंसर क्या मिला, एक कायरल मिला, और एक ए कायरल मिला. दिस इज डन, ऑल द वर्ड दैट मैटर्स आर डन. सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, सारे जो वर्ड दैट मैटर्स है उसकी नोट्स बनाइए. आगे भी मैंने आपको कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा लिख के करिए, लिखिए, पढ़िए, समझिए, जानिए, तभी तो बनेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका रिलेशन. सो रिमेंबर कि ये जो सारे वर्ड दैट मैटर्स है आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उसी के बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अटेंड करिए, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीधा रिएक्शन कंसिडर करेंगे, उसके अंदर मैं सीधे वर्ड्स यूज करूंगा, रिटेंशन, इन्वर्जन, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर. वैसे तो मैं नोट्स तो शेयर कर ही रहा हूं, आप उसको याद कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.